अंतर में आज बात करेंगे केंद्र सरकार की ओर से लाए गए उस अध्यादेश की जिसमें आरबीआई को और ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, और इन अधिकारों में प्रमुख है सहकारी बैंकों के रेगुलेशन को लेकर आरबीआई को मिले और अधिक पावर। जिस तरीके से 1482 मैं कहूं शहरी सहकारी बैंक हैं और करीब 58 बहुराज्य सहकारी बैंक हैं, अब इनकी निगरानी आरबीआई के अधीन होगी। और इस नए अध्यादेश के मुताबिक जिस तरीके से बाकी बैंकों का निगरानी का काम आरबीआई करती थी, अब उसी तरह के अधिकार आरबीआई के पास इन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी मिल गए हैं। और साथ ही साथ ऑडिट से लेकर सीओ की नियुक्ति भी अब आरबीआई ही तय करेगा। ये जो बदलाव हैं, इनकी जरूरत कितनी थी और जो सहकारी बैंकों का सिस्टम है वो कितना बदलेगा इस नए अध्यादेश और आरबीआई को मिले नए कदमों के बाद। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ एस सी त्रिपाठी सर हैं, फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी बैंकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अशोक नाग जी हैं, फॉर्मर एडवाइजर आरबीआई, सर स्वागत है। और दिलीप सर हमारे साथ जो कि चेयरमैन है नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूंगा त्रिपाठी सर आपसे कि एक लंबे अरसे से सहकारी बैंकों का जो मैं कहूं कि वर्किंग था, जो उनकी फंक्शनिंग थी, और हाल के कुछ वर्षों में जिस तरीके की खबरें वहां पर कामकाज को लेकर या उनके मैं कहूं कि फंक्शनिंग को लेकर आई, ये मांग बढ़ रही थी और तेजी के साथ बढ़ी थी कि क्या इन्हें आरबीआई के अधीन लाना चाहिए। ये जो अध्यादेश और जो सरकार का कदम है इसे आप कैसे देखते हैं अगर कोऑपरेटिव सिस्टम या बैंकिंग को समझे? देखिए, कोऑपरेटिव बैंकिंग पहले एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज में ही होती थी, फिर 90 के दशक में जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक काफी बढ़ गए और काफी रिजर्व बैंक ने लिबरलाइज किया। यह अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हैं करते तो काम एक अर्बन एरिया में हैं, तो इंडस्ट्री बिजनेस इनको ही ज्यादा फाइनेंस करते हैं, लेकिन ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर होते हैं और इनका मैनेजमेंट इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तरह होता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मैनेजमेंट में कई ऐसी चीजें देखने में आई हैं, जैसे कि शेड्यूल बैंक और कमर्शियल बैंक्स में ये आरबीआई के बड़े स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं कि की पर्सनल कौन होंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा, बोर्ड के डायरेक्टर्स कौन होंगे, क्या उनका बैकग्राउंड है, और उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन होता है कि वो किस तरीके की लेंडिंग करते हैं, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच होता है तो कैसे उसको ठीक करेंगे, ये सब बातें होती हैं। कोऑपरेटिव हमारे सिस्टम में थोड़ा बहुत ऐसा देखने में आया है कि पॉलिटिक्स काफ़ी एंटर कर जाती है और बहुत से पॉलिटिशियंस का भी काफ़ी रोल हो जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स के मैनेजमेंट में, तो इसलिए उनकी लेंडिंग भी प्रूडेंट नॉर्म्स ना हो करके वो इन्फ्लुएंस होने लगती है। तो कई ऐसे मामले आए, अभी हाल में पीएमसी बैंक का एक बड़ा मामला आया जिसमें डिपॉजिटर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा और अभी तक वो पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हो पाया है। तो ये मांग चल रही थी कि जब ये बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे कि कमर्शियल बैंक्स अर्बन एरिया में कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी प्रॉपर सुपरविजन उसी तरह का होना चाहिए जैसे कि रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स पे करता है। इसलिए मांग चल रही थी और मैं इस स्टेप का वेलकम करता हूं। इसके डिटेल्स तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन जो सुनने में आया है उससे लगता है कि इससे काफी इंप्रूवमेंट होगा। ओके, अशोक सर, अगर मैं इस अध्यादेश को समझूं और दो तीन जो बड़ी चीजें मैं इसको पढ़ पा रहा हूं, आप बेहतर समझा पाएंगे। ऑडिट की बात कही जा रही है इस अध्यादेश में कि अब जो है रेगुलर ऑडिट होगा हर साल, जो कि पहले शायद 2 साल 3 साल या टाइम गैप बहुत ज्यादा था, और जो ऑडिट होगा वो आरबीआई की टीम या उसकी निगरानी में होगा। साथ ही साथ एक दूसरे बड़े बदलाव की बात यह है कि सीओ की जो नियुक्तियां होती हैं इन बैंकों में वो अब आरबीआई ही करेगा। यही जो दो कदम हैं ये कितने बड़े हैं इस पूरे सिस्टम के लिए और कितना इस सिस्टम को मैं कहूं कि फुलप्रूफ कर पाएंगे? देखिए, ये डुअल रेगुलेशन का जो प्रॉब्लम आपको इस आईडी बैंक का कोऑपरेटिव बैंक था, ये वन ऑफ द थिंग दैट दिस ऑडिट सीओ का नियोग करने के लिए आरबीआई का कोई हक नहीं था, ये पूरा रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिसाइड करना है। सो ये एक डुअल रेगुलेशन, बट ये
प्रॉब्लम जो हुआ था इसके लिए आरबीआई का कोशिश किया था पहले भी थे, पहले 2005 में देयर वाज ए विजन डॉक्यूमेंट निकल गया आरबीआई से कॉपरेटिव अर्बन कॉपरेटिव बैंक के लिए कैसे मैनेज करना है, इसके लिए देयर वाज ए टास्क फोर्स बनाया था, ए मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग बोलता है, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है और आरबीआई का पूरा दैट स्टेट में कैसे डुअल रेगुलेशन को कंट्रोल करना है कैसे प्रॉपरली रहे इसके लिए था। बट ये प्रॉपरली काम नहीं होता इसके लिए जो ये प्रॉब्लम जो पीएमसी बैंक में हुआ था, ओके पीएमसी बैंक और सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक जो हुआ था ये एब्सोल्यूट फ्रॉड था। फ्रॉड कैसे हुआ? फ्रॉड बाय द सीईओ हिमसेल्फ, सीईओ और टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टली उसको फ्रॉड में इन्वॉल्व था। अभी देखिए आरबीआई तो सुपरविजन तो आरबीआई के अंदर में था, आरबीआई का ये सीईओ नहीं था, सुपरविजन आरबीआई का था। बट सुपरवाइजर के जब करता है आपको, आपको यदि सीईओ यदि आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डमी अकाउंट करके आप बोलता है नहीं हम लोग एक आदमी को 40% लोन नहीं दिया था, ओके ये कैसे ये कंट्रोल करना है, ये प्रॉब्लम आरबीआई को ये करना है। ये प्रॉब्लम येस बैंक में एक आरबीआई का सिडुल कमर्शियल बैंक है, उधर में भी एक सेम प्रॉब्लम हुआ था, दे फ्रॉड सम एक्सटेंड हुआ था एट द सीईओ लेवल एट द मैनेजमेंट लेवल। तो ये प्रॉब्लम आरबीआई का देखना है जे इवन इफ आरबीआई अपॉइंट द सीईओ, सपोज आरबीआई सीईओ अपॉइंट करता है नाउ बोर्ड का पूरा कंट्रोल आरबीआई का है, फिट एंड प्रॉपर ये जो रेगुलेशन चाहिए ये आरबीआई को सुपरविजन का अंडर में चला आ गया। डिस्पाइट दैट हाउ डू आई रियली कंट्रोल any fraud by the CEO level or the board level people, that is something RBI has to look into this, because it may happen also in the commercial bank also, and it has happened in the commercial bank. So ye aapko the age of dual regulation ka je elimination hota hai ye to bahut pehle se hona, mane ye RBI ka bahut bar bahut committee hua, aur Gandhi ka committee hua tha ye same issue ka working group pe. So ye to RBI bahut bar mange tha, ye bhi RBI ka issue tha, ये आज आया था वेलकम डिसीजन, बट ये इमीडिएटली ये पैनेशिया नहीं होगा, ये प्रॉब्लम ऑफ द फ्रॉड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। जी नाथ साहब, मैं इसके चैलेंजेस पर आऊंगा और इसके इम्पैक्ट पर आऊंगा, उससे पहले दिलीप जी, जो मौजूदा सिस्टम है कोऑपरेटिव बैंकों का उसमें ऑडिट का क्या सिस्टम होता है, और दूसरा जो सीईओ की नियुक्ति को लेकर है, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि ये दो बड़े बदलाव इस अमेंडमेंट में देखते हैं जिसके जरिए जो कोऑपरेटिव बैंकों की कार्यशैली है और जिस तरीके के लूपहोल्स रहे हैं जो कि घोटाले को जन्म देने का कारक रहे हैं उनको रोक पाए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में अभी भी आरबीआई ऑब्जर्वेशन तो करती ही है और केवाई दो जो अपने अकाउंट में यदि कोई एड्रेस पे थोड़ी सी भी क्षति होती तो आरबीआई की ओर से पेनल्टी भी दी जाती है। आरबीआई को खुद को स्पष्ट होने की जरूरत है, ये कानून में जो बदलाव जो वटुकम से आया है मेरे ख्याल से इनसे जो डिपॉजिटर है उनका विश्वास बढ़ेगा, लेकिन एक कार्यवाही जब होगा तब पता चलेगा आरबीआई किस ढंग से काम आगे करेगी, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, फर्क इतना ही हुआ है कि पहले यदि कोई जो आरबीआई के नीचे काम कर रही है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में गलती हो या अनियमितता हो तो उनके पर यदि कुछ एक्शन लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट से आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करती थी और स्टेट गवर्नमेंट ये काम करती थी, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट से वो चर्चा करेगी और उनका पावर सीधा आरबीआई से मिलता है तो आरबीआई उन पर एक्शन सीधा ले सकती है और इनकी वजह से जो बैंक का चेयरमैन हो उनके ऑफिस बेरर हो एजुकेटिव मेंबर हो उनको इतना ख्याल रहेगा कि अब यदि पॉलिटिकली स्टेट गवर्नमेंट और बैंक के बोर्ड का कोई रिश्ता है तो इनमें नहीं चलेगा, तो इनसे थोड़ा डर भी लगेगा
और आरबीआई सीधा एक्शन ले सकती है, उनका पावर उनके हाथों में दिया। फिर ये ड्यूअल पॉलिसी थी, स्टेट गवर्नमेंट यदि आरबीआई बोल दे उन पर एक्शन लिया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिकली इनके साथ यदि रिश्ता हो या पहुंच हो तो इनमें जल्दबाजी नहीं करती थी, इनकी वजह से ये लंबा तक चलता था। अब आरबीआई ये पावर की वजह से काम कर सकती है, इनसे थोड़ा जो डर होगा और डिपॉजिट को विश्वास होगा कि हमारी डिपॉजिट बचाने वाले अब आरबीआई है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने गरीब लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए उनके जो मुड़ी है आमदनी की वजह से जो बचाव के लिए रखी है उनका सलामती का एक बड़ा कदम है और वो जरूरी था। मैं उनका स्वागत, जो सीओ की नियुक्तियां अब तक होती रही है कहा जाता है कि ये ज्यादातर पॉलिटिकली होती हैं या फिर जो नियुक्तियां वो पारदर्शी नहीं होती, किसी के चहेते या किसी के रिलेटिव या किसी से जुड़े हुए लोग ऐसे पदों पर बैठाए जाते थे, और अब जबकि ये पद पर जितनी भी नियुक्तियां होंगी वो आरबीआई करेगा, कैसे इस बदलाव को आप देखते हैं, इस कदम को देखते हैं? अभी भी आरबीआई की जो गाइडलाइन थी फिट एंड प्रॉपर, तो कैसे नियुक्त की जाए, इस कैडर की क्या स्टडी है, उनका क्या लेवल है, वो गाइडलाइन थी, इनके ऊपर तो जा नहीं सकते थे, वो गाइडलाइन थी। पॉलिटिकली शब्द मुझे लगता है कि एक आम बदनामी के लिए है, पॉलिटिकल काम नहीं है, प्रधानमंत्री पॉलिटिकल है, फाइनेंस मिनिस्टर पॉलिटिकल है, होम मिनिस्टर पॉलिटिकल है, वो फाइनेंस बजट जो करते हैं वो वही लेवल यहाँ होगा, निष्ठा का सवाल होगा, नीति का सवाल होगा, जहाँ भी नियुक्त होती है वहाँ पॉलिटिकल बोल सकते हैं, यदि पॉलिटिकल नहीं होते तो राज्यसभा लोकसभा चलती क्या और वो कानून बनाती क्या, तो पॉलिटिकल लीडर नहीं है तो कानून बनाया है, जो मोदी जी है आखिर तो पॉलिटिकल लीडर है, देश के लीडर है, उन्होंने आम लोगों के लिए निर्णय बनाया, जहाँ मैनेजमेंट चेयरमैन अच्छी तरह से पॉलिटिकल भी हो, काम करते हैं लोगों के हित में, वहाँ वो अच्छी तरह से बेकार करते जहाँ पॉलिटिकल होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल नजरिए से किसी को लेंडिंग करवाना, पॉलिटिकल नजरिए से नॉर्म्स को अवहेलना करते हुए लोन दिलवा देना, विदाउट प्रॉपर स्क्रूटनी सिक्योरिटी के लोन को पास करवा देना, ये बड़ी चिंता रही है। नाग साहब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या यही वो कॉकस या फिर मैं कहूँ कि एक ड्रॉबैक था जो कि चिंता का कारण था कॉपरेटिव सिस्टम में, जिसको अब मैं कहूँ कि थोड़ा सा ओवरहॉल करने की तरफ कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंट्रोल अभी आया आप ऑर्डिनेंस के बाद, इसका एक एडवांटेज है, मैं सुविधा है, ये पहले से क्या होता है आरबीआई का नजर में आया था जो कुछ तो गड़बड़ है, आरबीआई कैन इमीडिएटली उस सीईओ को बोल सकता है जे आई एक्सेक्ट कर सकता है। आरबीआई का दूसरा बैंक में सिडुल कमर्शियल बैंक में आरबीआई राइट है, बोर्ड को सुपरसीड कर सकता है। अभी RBI cannot do earlier, I mean before the ordinance, RBI cannot do that. He has to tell the same. So, जो भी आप एक letter लिखता है, then the immediately the action लेने के लिए time होता है, decision लेने का, ये बहुत effect पड़ता है, the पूरा decision change हो सकता है. RBI cannot enforce the decision. अभी देखिए, Yes Bank का problem था, RBI resolution किया था. स्टेट बैंक बोल बैंक के लेके एक रेजोल्यूशन, बट अभी तक कोऑपरेटिव बैंक में अर्बन कोऑपरेटिव रेजोल्यूशन का राइट बा पावर डायरेक्टली आरबीआई के नहीं है। वो डुअल रेगुलेशन में कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के साथ कर सकता है। ये डुअल डिसीजन, दिस काइंड ऑफ डिसीजन हैज टू बी डन वेरी क्विकली एंड वेरी एफिशिएंटली इमीडिएटली, दैट आरबीआई डिड नॉट हैव इट। अभी ये ऑर्डिनेंस के बाद आरबीआई कैन डू दिस थिंग, दैट इज वन थिंग इज डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर आरबीआई। एक जिस आरबीआई का प्रॉब्लम जेटा है ये इंफॉर्मेशन जो आरबीआई कलेक्ट करता है, और दूसरा एक प्रॉब्लम है, अभी देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक चालू हुआ था, उसका जो कैपिटल एडुकेशन नेटवर्थ आई थिंक 500 100 करोड़ नेटवर्थ है,
25 लाख का भी नेटवर्क का एक कोऑपरेटिव बैंक कैन डू डेरिवेटिव ट्रेडिंग एक फॉरेक्स ऑन द ट्रेडिंग, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक नहीं कर सकता है। ये सब जिनिस है बिकॉज ये जो परमिशन दिया था आरबीआई मे बी थी पॉलिटिकल प्रेशर के लिए दिया था। अभी आरबीआई कैन टेल दैट अभी तक 100 करोड़ का यदि तुम्हारा नेटवर्क नहीं है यू कैनॉट डू दिस थिंग्स दैट दैट विल डेफिनेटली as if somebody told that it will be bring the confidence of the depositors on the cooperative banks because they know the RBI right. can resolve the problem immediately. Abhi RBI ka aise koi power nahi hai immediate resolution of the problem at the cooperative bank. Right. Tripathi sir, ki waqai jo management mein top post par RBI ki or se niyukti aur jo maujooda system hai ye badlav kitna bada ho sakta hai aur dusra कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लेकिन जो प्रबंधन की जिम्मेदारी है जब मैं कहूं कि वो अभी भी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव के पास ही रहेगा यानी कि स्टेट पर वो उस संस्था की जिम्मेदारी होगी, यहाँ पर क्या अधिकारों का बंटवारा या विरोधाभास भी थोड़ा भी नजर आ रहा है बचा हुआ है? देखिए थोड़ा तो बंटवारा रहता है क्योंकि कमर्शियल बैंक्स भी वो कंपनी होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो केवल आरबीआई के ही कंट्रोल में होते हैं, कंपनी लॉ भी उस पर अप्लाई करता है। लेकिन वहाँ बहुत साफ है कि उनके अकाउंट्स, उनके फाइनेंशियल मैटर्स, उनके डायरेक्टर का सिलेक्शन, उनके एमडी का सिलेक्शन, उनके ऑडिटर का सिलेक्शन, ये सब आरबीआई करेगा और आरबीआई उनके प्रूडेंशियल नॉर्म्स रखता है, उनके बार बार इंस्पेक्शन करता रहता है। और नहीं तो अब तो इतना ज्यादा डिजिटाइज मोड में ऐसा हो गया है कि बैंक्स की सीधे इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास जाती रहती है हर हफ्ते हर 15 दिन पर, तो उनका एसेट लायबिलिटी मिसमैच देखता है, फिर उनको गाइडेंस देता रहता है, तो वो बहुत एक इंटेंस सुपरविजन है। उसके बावजूद भी जैसा कि अभी दूसरे पैनलिस्ट ने कहा, जहां कहीं किसी की नीयत खराब हो जाए वो सीओ है तो एक आध गड़बड़ी तो वो कर ही देता है, वो कर सकता है, लेकिन वहां पे आरबीआई की स्ट्रिक्ट सुपरविजन है और डायरेक्ट इमीडिएट पावर्स हैं कि उसको हटा दे और टेक ओवर कर ले, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दे, ये सब चीजें ठीक है। तो अब यहाँ भी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में अगर ये कॉन्स्टिट्यूटेड है तो कुछ उनको उसके नॉर्म्स और उसके कंट्रोल तो करने होंगे, लेकिन जो ऑपरेशनल मैटर्स है, जो फाइनेंस से रिलेटेड ऑपरेशनल मैटर्स है, वो सब आरबीआई कंट्रोल में होगा। और ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ऑडिटर जो होता है वो सारे ट्रांजैक्शंस देखता है, आरबीआई के जो गाइडलाइंस हैं उनके डायरेक्शंस उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखता है। सीईओ की पर्सनल जिम्मेदारी होती है, आरबीआई हर डायरेक्टर के बारे में ये देखता है कि वो फिट एंड प्रॉपर है कि नहीं है। किसी डायरेक्टर से रिलेटेड किसी कंपनी को लोन नहीं दे सकता वो बैंक, जबकि ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक देखिए इनमें तो चूंकि इनका स्टेट गवर्नमेंट से और पॉलिटिशियन से इनका नाता रहा है, इनकी ज्यादा लैंडिंग इस तरह होती रही है, इसलिए ऐसा उसमें देखना पड़ता है। तो वो चीजें अब ज्यादा ठीक होंगी और डिपॉजिटर का इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ये अच्छी बात है। और ड्यूअल कंट्रोल तो देखिए ऑपरेशनल जो मैटर्स होते हैं वही मेन है, बाकी तो मैं जैसे मैंने कहा कि बैंक भी, बाकी जितने कमर्शियल बैंक है वो कंपनी भी है, लेकिन ये है कि कंपनी लॉस के आड़े नहीं आता है आरबीआई के कंट्रोल, इसी तरह आरबीआई का वही कंट्रोल इनमें भी होगा तो अच्छी बात होगी। एक चीज और त्रिपाठी सर, चूंकि अभी तक जो बैंकिंग लॉ 1949 का जो हम फॉलो करते हैं जो पूरा बैंकिंग सिस्टम, उसमें सहकारी बैंकों के लिए था कि वो बहुत ही आंशिक तौर पर कुछ चीजों को उसको फॉलो करना था और एडवाइजरी के तौर पर वो लेते थे, लेकिन अब नए अध्यादेश में उसे मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कि आरबीआई के पास वो पावर होंगी जो दूसरे बैंकों पर लागू होती थी। इसके चलते जो बदलाव आपको लगता है कि रूरल और जिस तरीके के ये स्टेट लेवल पर जो खुले हुए हैं सहकारी बैंक, किस तरीके से इनकी कार्यशैली में बदलाव आप देखते हैं? देखिए रूरल तो अलग हो गया, उनका प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नाबार्ड, वो सिस्टम तो बहुत पुराना है, चल रहा है। ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, इनका बिजनेस फर्क है, ये अर्बन लेंडिंग कर रहे हैं, बिजनेस इंडस्ट्री इन सब चीजों को। अब ये देखिए बहुत सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं कि किसी एक ग्रुप को या एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ज्यादा आप लोन नहीं देंगे, किसी एक सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा लोन आप नहीं देंगे, तो ये सब चीजें जो है जो कमर्शियल बैंक फॉलो करते हैं उसको ये नहीं फॉलो करते थे। इनमें बहुत सारे ऐसे होते थे जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लोन दिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स को लोन दिए जा रहे हैं, अब उनका रिटर्न आएगा कैसे आएगा कुछ पता नहीं, क्योंकि वो किसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला
उसके इन्फ्लुएंस में है, तो ये सब चीजें इसमें आती थी। और अब ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स इनको देखने पड़ेंगे, आरबीआई के जितने डायरेक्शंस हैं वो सब इनको फॉलो करने पड़ेंगे, तो इनका ज्यादा प्रोफेशनल और ज्यादा अच्छा इनका मैनेजमेंट होगा, डिपॉजिटर का इसमें फेथ भी बढ़ेगा, और इनकी लेंडिंग इनको चाहिए भी होंगे ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल्स को रखना, और वो प्रोफेशनल्स पहले शायद इनमें इतने अच्छे नहीं आ पाते थे, अब इनको रखना पड़ेगा, इनको कम्पीट पूरी तरीके से करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक से। दिलीप जी, क्योंकि जब सरकार ने प्रपोजल दिया था उस 1949 एक्ट को अमेंड करने के लिए, इसमें तमाम जो दूसरे बैंकिंग सिस्टम है उसको बैंकिंलॉ के अधीन लाया जाए, कई सारे रिप्रेजेंटेशन दिए गए कि वो उसके अधीन नहीं आना चाहते हैं, दुश्वारियां होंगी, परेशानियां होंगी, और इसमें एक बड़ा हिस्सा था कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी का। क्या वजह है कि वो बैंकिंग सिस्टम की मुख्यधारा में नहीं आना चाहते या रेगुलेशन या आरबीआई के अम्ब्रेला से बाहर रहना चाहते हैं? वो मंशा जो जिसकी होगी वो ठीक नहीं है, पारदर्शिता होनी चाहिए, और कितना भी कंट्रोल हो आखिर पब्लिक की डिपॉजिट है, और डिपॉजिट इसी को लोन दिया जाए जो पारदर्शिता से उनका उपयोग करके राष्ट्र के हित में, गांव के हित में जो इंटरेस्ट में लगाए वो सार्वजनिक हित में होना चाहिए, और समय सर वो डिपॉजिट पब्लिक के उनकी जमा जो लोन वापस देनी है वो दे पाए तो देखना जरूरी है। और ये जो अध्यादेश है इनकी वजह से इनमें बदलाव आएगा वो जरूरी था, और जो आया है वो बहुत अच्छा है, मैंने पहले भी स्वागत किया है, अभी भी स्वागत करता हूँ, लेकिन आरबीआई के अफसर किस ढंग से काम करेंगे, मैं आरबीआई के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, तथ्य रखना चाहता हूँ। नोटबंदी के समय कॉमर्शियल बैंक कहीं टीवी में, कहीं मीडिया में, कहीं प्रिंट मीडिया में जहाँ गलतियाँ हुई थी उन पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, और कोऑपरेटिव बैंक में एक भी इतनी जांच हुई, एक भी गलती पकड़ने गई, फिर भी उनको बदनाम करने के लिए काफी प्रचार प्रचार हुआ, और आरबीआई ने इनके बारे में जांच करने के बाद भी वो नहीं बताया कि हमने इतनी इतनी जांच की है, वहां कुछ भी निकला नहीं है। तो ये आरबीआई शुरू से कोऑपरेटिव की मानसिकता से खिलाफ काम कर रही है, ऐसी कोऑपरेटिव में जो भ्रमणा है उनको दूर करने के लिए भी स्टेप लेना चाहिए। मैं एक एग्जाम दूंगा, कभी एजुकेशन बोले, कोई स्टूडेंट गांव का है और वो विदेश स्टडी करने के लिए जा रहा है तो उनको कमर्शियल बैंक से लोन लेगा तो सब्सिडी मिलेगी, यदि हमारी कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेगा तो उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। एक देश का नागरिक, एक देश का स्टूडेंट यदि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेता है तो उनको सब्सिडी नहीं, और कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है तो उनको सब्सिडी। ये एक देश में ऐसे बदलाव अभी भी लाना जरूरी है, वो आरबीआई इनके लिए आगे चलना चाहिए, और जो भी सुधार करने की जरूरत है वो विश्वास बैठे कि आरबीआई तटस्थता से सबके साथ समानता से व्यवहार कर रही है, उनके लिए उनको लिख लेनी चाहिए। ओके त्रिपाठी सर, क्योंकि कहा दिलीप साहब ने कि कोऑपरेटिव पर भरोसा बढ़ेगा जो निवेशक हैं, और जो करीब 4.85 लाख करोड़ की पूंजी कोऑपरेटिव के पास जमा है, लेकिन कोऑपरेटिव खुद आरबीआई पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, इस भरोसे को कैसे जोड़ेंगे? देखिए कोऑपरेटिव जो है वो मेनली रूरल एरिया के लिए, वो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव सिस्टम जो है वो नीचे धरती से जुड़ा हुआ है, और सबसे पहले उनका प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है जो कि गांव लेवल पर होता है या एक समूह गांव का होता है, फिर उसके बाद जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड। तो इन कम खर्चे पे और नीचे से नीचे लेवल के लोगों को साथ लेकर के चलने वाला है, इसलिए ये बात सही है कि रिजर्व बैंक उसको दूसरी निगाह से देखता है कि उतना प्रोफेशनल नहीं है, और ये बात सही है कि उतना प्रोफेशनल नहीं रहता था। लेकिन यहाँ बात हो रही थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कमर्शियल बैंक से अलग रखने का कोई औचित नहीं है, क्योंकि ये भी वही काम कर रहा है जो कि कमर्शियल बैंक भी कर रहा है। ये बात सही है कि अर्बन कोऑपरेटिव छोटे छोटे लोन ज्यादा देता है और देना चाहिए,
शायद कमर्शियल बैंक छोटे छोटे लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में भी प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। और जैसा कि देखने में आया कि जो बड़े शहरों के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनमें बहुत बड़ा डिपॉजिट होता था, ये लोग डिपॉजिटर को कुछ ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी देते थे, लेकिन लेंडिंग में प्रूडेंशियल नॉर्म्स न रखने की वजह से इनके लोन खराब हो जाते थे। तो ये मेरे ख्याल से जो बड़े बड़े शहरों के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको पूरी तरीके से कमर्शियल बैंक्स के कंपैरिजन में लाना चाहिए। ओके नाग सर, एक आखिर में क्लोजिंग में चाहूंगा आपसे कि इसमें चुनौतियां चैलेंजेस क्या देखते हैं इस नए सिस्टम में, और कहां पर आपको लगता है कि चेक एंड बैलेंस ज्यादा करना होगा आरबीआई? देखिए चेक एंड बैलेंस के लिए देखिए सुपरविजन एंड रेगुलेशन का तो अभी तक विनियम है तो आरबीआई करता है। सो आरबीआई का दी प्रॉब्लम क्या है एक कॉपरेटिव बैंक में, नंबर इज सो हाई, ठीक है ना। तो आरबीआई का ये तरीका से ए डिटेल्ड काइंड ऑफ ए ऑडिट इंस्पेक्शन सुपरविजन करना चाहिए तो उसको पॉसिबिलिटी क्या है उसका, आरबीआई का चैलेंज ये होगा दे आपको इतना कोई ह्यूमन रिसोर्सेस है कि ना। देखिए अभी ह्यूमन रिसोर्स कारण आरबीआई का सैलरी स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर इज कम्प्लीट डिफरेंट है, ठीक है ना, एंड दैट कॉस्ट ऑफ सुपरविजन। तो आरबीआई का इतना जो बैंक है जो 1000 का बैंक है अभी दे आर कम्प्लीटली आरबीआई का रिस्पॉन्सिबल है, कोई कोई फेलियर होगा तो पीपल आर गो टू आरबीआई देन नाउ आरबीआई सेकंड रेगुलेशन है। तो आरबीआई का जितना तरीके से उसको सुपरविजन करना है, रेगुलेशन करना है, सीओ का केवाईसी करना है, पूरा करना है, इतना जे करने के लिए रिसोर्सेस है कि ना आरबीआई का, एक बहुत बड़ा चैलेंज है आरबीआई का। ओके दैट आरबीआई विल बी एबल टू डू इट आई कैन नॉट से दैट, बट इट इज बड़ा चैलेंज है। ये दैट्स व्हाई द कोऑपरेटिव बैंक का जो सहकारी बैंक का क्या है वो कम्युनिटी छोटा कम्युनिटी जिसमें लेंडर बोरोअर डिपॉजिटर एंड लेंडर ये सबको जानता है, डिपॉजिटर भी जानता है कौन लोन लेता है। तो ये छोटा एक कम्युनिटी का फीलिंग है, कम्युनिटी कैन ऑलवेज इम्पोज सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिफॉल्ट, होता है ना। बट ये जब कोऑपरेटिव बैंक बड़ा हो गया कमर्शियल 100 करोड़ का उसका एसेट हो गया, उसको कमर्शियल बैंक करना होगा कि नहीं, वो ये आरबीआई का सोचना चाहिए था। बिकॉज एट सर्टेन लेवल में वो चाहेगा कि हमको सब डेरिवेटिव को ट्रेडिंग करेगा, हमको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करेगा, वो उसका जितना देना चाहिए कि नहीं चाहिए ये अगर उसको अपग्रेड करना चाहिए आरबीआई को, अगर इस तरीके के सिस्टम होते हैं और इसका एक मैकेनिज्म